हेलो दोस्तों, यूनिक किड्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं केसर पिस्ता कुल्फ़ी। तो चलिए ये बहुत ही डिलीशियस कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको दोस्तों मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करें तो मेरे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में आधा लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो दूध में अभी हम एक बॉईल आने देंगे। तो ये देखिए दूध अच्छे से उबल चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और दूध को हम एक बार मिला लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे केसर और केसर को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। दूध को हम लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और कढ़ाई में साइड में जो दूध की मलाई जम रही है उसे हम दूध में ही मिला लेंगे इस तरह से। 5 मिनट बाद देखिए दूध थोड़ा थिक हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कंडेंस मिल्क और 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इन दोनों को भी हम दूध में अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप इसमें 2 चम्मच चीनी की जगह 4 चम्मच चीनी डाल दीजिए। और अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए काजू और बारीक कटे हुए पिस्ता डालेंगे और इन सबको भी हम दूध में अच्छे से मिला लेंगे। दूध को अभी हम लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये अपने रियल क्वांटिटी से आधा नहीं हो जाता। अभी देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें अभी हम लास्ट में ये थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे और इलायची पाउडर को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए दूध कितना थिक हो चुका है। तो इससे ज़्यादा अभी हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो ये हमारा कुल्फी का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और हम इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पेपर कप्स ले लिए हैं। आप चाहे तो कुल्फी मोल्ड भी ले सकते हैं। और इस कुल्फी के मिक्सचर को मैंने ग्लास में भर दिया है। तो इन पेपर कप्स में हम ये कुल्फी का मिक्सचर डाल देंगे। तो सभी कप्स में हम ये कुल्फी का मिक्सचर भर देंगे। तो ये देखिए सभी कप में मैंने कुल्फी का मिक्सचर भर दिया है। तो अभी हम इसके ऊपर ये फॉइल पेपर लगा देंगे। तो कप को हम फॉइल पेपर से इस तरह से कवर कर देंगे और नाइफ से हम इसके अंदर इस तरह से कट लगा लेंगे। और इसमें अभी हम ये आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। तो सेम तरीके से अभी हम सभी कप को फॉइल पेपर से कवर कर देंगे और इसके अंदर हम ये आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। सभी कप्स को मैंने अच्छे से फॉइल पेपर लगा दिया है। तो अभी हम इसे 10 घंटे फ्रीज़र में रखेंगे सेट होने के लिए। 10 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र में से निकाला है। तो अभी हम इसे खोल के देखते हैं। तो ये फॉइल पेपर हम निकाल देंगे और इस कुल्फी को हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कुल्फी सेट हो चुकी है। अभी हमारी केसर पिस्ता कुल्फी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो आप इस कुल्फी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक अच्छी रेसिपी के साथ।